नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्क्रूटी के लिए ऑनलाइन ही करना होगा आवेदन। पटना प्रमंडल के सभी जिलों में संवेदनशील जगह मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी और जवान रहेंगे तैनात। जगजीवन राम पर लिखी पुस्तक पाठ्यक्रम में हुई शामिल। पंचायत चुनाव में गड़बड़ी करने वाले होंगे गिरफ्तार। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 267 अंचलों में जल्द ही काम करने लगेंगे मॉडर्न रिकॉर्ड रूम। सरकार के सभी 534 अंचलों में आधुनिक अभिलेखागार स्थापित करने की योजना परवान चढ़ने लगी है। राजस्व कर्मियों की मनमानी को खत्म करने के लिए इस योजना के तहत काम हो रहा है। खबरों की माने तो 267 अंचलों में जल्द ही ये भी काम करने वाला है। इसको लेकर राजस्व विभाग ने दो चरणों में इस योजना को पूरा करने के लिए 4,298.7 लाख का बजट भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही इस योजना के तहत प्रत्येक अभिलेखाकार सह डेटा सेंटर में 16 लाख के उपकरणों की खरीदारी भी कर ली गई है। 534 में से 436 अंचलों में भवन बन गया है। हालांकि सरकार की यह योजना है कि सभी 534 अंचलों में आधुनिक अभिलेखाकार सह डेटा सेंटर भवन बनाने का काम किया जाए। स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन ही करना होगा आवेदन। बिहार बोर्ड ने तय समय पर परीक्षा के परिणाम की घोषणा तो कर दी है, मगर अभी भी कई छात्र हैं जो अपने परिणाम से काफी ज्यादा असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसे छात्रों को बिहार बोर्ड ने एक और मौका दिया है, जिसके तहत इंटर रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों को स्क्रूटनी के लिए सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन करने का प्रावधान दिया गया है। स्क्रूटनी के लिए 1 से 7 अप्रैल तक बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप www.biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षार्थी यदि किसी एक विषय या सभी विषय में मिले अंक से संतुष्ट नहीं है तो वो संबंधित विषय की उत्तर पुस्तिका के स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ध्यान रहे, प्रति विषय ₹70 का शुल्क आपको देना पड़ेगा। बिहार पुलिस में चालक सिपाही बहाली से जुड़ी अहम जानकारी हुई जारी। केंद्रीय चयन परिषद बिहार की तरफ से बिहार पुलिस संगठन के चालक सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन संख्या 5/2019 गोरखा आवेदकों से जुड़ी एक सूचना जारी कर दी गई है, जिसके तहत CSBC की तरफ से बिहार पुलिस चालक सिपाही के पद के लिए आवेदन करने वाले गोरखा अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर लॉग इन करके आप गोरखा होने की पुष्टि ऑनलाइन 10 अप्रैल 2021 तक निश्चित रूप से कर ले। हालांकि CSBC ने यह भी प्रावधान दिया है कि अगर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में किसी अभ्यर्थी को कठिनाई होती है तो वो व्यक्तिगत रूप से अपनी फोटो आईडी और आवेदन फॉर्म की पावती के साथ पटना में होर्डिंग रोड स्थित चयन परिषद कार्यालय में 9 और 10 अप्रैल 2021 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए उपस्थित होकर सुधार करवा सकता है। यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बिहार को जोड़ने की शुरू हुई तैयारी। यूपी के कई एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो चुका है। बिहार से भी आमस से दरभंगा के बीच एक्सप्रेसवे बनाने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है, जिसके बाद 4 पैकेज में इस पर काम शुरू होगा। हालांकि इसके साथ ही यूपी में बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बिहार से कनेक्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पिछले साल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से पूर्वांचल एक्सप्रेस को बिहार के बक्सर से जोड़ने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री के आग्रह के बाद ही केंद्र सरकार ने इस पहल की शुरुआत की है। खबरों की माने तो 3 महीने में DPR बनाने के साथ अगले 6 महीने में जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस से कनेक्ट होने के बाद 12 से 13 घंटे में राजधानी पटना और बिहार के लोग सड़क मार्ग से दिल्ली पहुंच सकेंगे। पटना प्रमंडल के सभी जिलों में संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी और जवान रहे तैनात। बिहार समेत पूरे देश भर में आज होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। हालांकि होली को लेकर सुबह से ही तमाम की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। पटना से सभी ऐसी जगह जहां पर हुड़दंगियों के रहने की ज्यादा संभावना पहले से ही जताई जा रही थी, वहां पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी और जवान की तैनाती कर दी गई थी। शांति सद्भावना भंग करने वाले और अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर भी कड़ी कार्रवाई की गई। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने प्रमंडल के सभी DM और SSP सहित SP और साथ साथ उच्च अधिकारियों को इनकी तैनाती के निर्देश पहले से ही जारी कर दिए थे। हालांकि होली का त्यौहार सुचारू रूप से पूरा हुआ। जगजीवन राम पर लिखी पुस्तक पाठ्यक्रम में हुई शामिल। शाहबाद क्षेत्र के कद्दावर दलित नेता बाबू जगजीवन राम को इतिहास के पन्नों में अपेक्षित स्थान नहीं मिला हुआ है, लेकिन बिहार के एक शोधार्थी ने बाबू जगजीवन राम के जीवन पर शोध कर एक पुस्तक लिखी है, जिसे दक्षिण भारत के विद्यालय में पाठ्यक्रम के रूप में शामिल भी कर दिया गया है। बाबू जगजीवन राम बिहार की मिट्टी के सपूत थे। शाहबाद में जन्मे बाबू जगजीवन राम ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। स्वतंत्र भारत में भीमराव अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम दो ऐसे दलित नेता थे जिसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान थी। अंबेडकर को इतिहास में जगह तो मिली, लेकिन बाबू जगजीवन राम को इतिहास के पन्नों में स्थान नहीं मिल पाया था। हालांकि बिहार के शोधार्थी संजय सहाय की इस पहल के बाद जगजीवन राम को भी अपेक्षित स्थान मिल सकेगा। पंचायत चुनाव में गड़बड़ी करने वाले होंगे गिरफ्तार। पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा भले ही नहीं की गई हो, मगर चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में पंचायत चुनाव में गड़बड़ी करने वालों पर भी सख्ती बरती जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार यदि मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी को ऐसा लगे कि
पंचायत चुनाव में कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है या फिर कर चुका है तो उस व्यक्ति को मतदान केंद्र छोड़ने से पहले गिरफ्तार किया जा सकता है। पीठासीन पदाधिकारी द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आरक्षी पदाधिकारी को निर्देश दिया जा सकता है। उस व्यक्ति की तलाशी खुद भी ले सकते हैं या फिर किसी सुरक्षा अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकते हैं। रांची से पटना के लिए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से अगले एक महीने तक कोई फ्लाइट नहीं। झारखंड की राजधानी रांची से हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए खास खबर। बीते दिन से रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले विमानों के समय में बदलाव किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अगले एक महीने तक अगर आपको रांची से फ्लाइट से यात्रा करनी है तो रांची से कोई भी फ्लाइट आपके लिए उपलब्ध नहीं होगी। यह अगले 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। सबसे खास बात यह है कि अगले एक महीने तक रांची से पटना के लिए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कोई विमान सेवा परिचालित नहीं होगी। ऐसे में बिहार आने वाले मुसाफिरों को अपनी यात्रा फिर से प्लान करनी पड़ सकती है। मिली जानकारी के अनुसार बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रनवे की फाइनल बिछाई जारी है और इसमें काम सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक जारी हो रहा है। इस कारण से अगले महीने तक रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली करीब 6 फ्लाइट को सुबह या शाम के लिए रीशेड्यूल कर दिया गया है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में गेस्ट टीचर्स की निकाली गई भर्ती। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी सहित दूसरे विषय के लिए गेस्ट फैकल्टी की भर्ती करने जा रहा है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में गेस्ट टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया दोबारा से शुरू की जा चुकी है। विश्वविद्यालय ने गेस्ट टीचर की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की मांग कर दी है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 8 अप्रैल तय की गई है, जिसके बाद आवेदन फॉर्म की प्रिंट हार्ड कॉपी भेजने की अगली तारीख 15 अप्रैल तय की गई है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ppup.ac.in पर अभ्यर्थी को सारी जानकारी मिल जाएगी। विश्वविद्यालय की वेबसाइट की माने तो ऐसे उम्मीदवार जिनके पास PhD या MPhil की डिग्री है उन्हें इसका लाभ जरूर मिलेगा। हालांकि वैसे अभ्यर्थी जिनके पास यह डिग्री उपलब्ध है उन्हें 2 में से 1 का लाभ मिलेगा। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे गजेंद्र ठाकुर की। गजेंद्र ठाकुर एक भारतीय लेखक है। वो मैथिली भाषा उत्तर बिहार भारत के और दक्षिण पूर्वी नेपाल में बोली जाने वाली भाषा में लिखते हैं। वो एक लेखक, लेक्सियोग्राफर, इतिहासकार है और पोलियोग्राफर। उन्होंने मैथिली भाषा की तिरहुता लिपि में प्राचीन और मध्यकालीन ताड़ के पत्तों के शिलालेखों का वर्णन किया है। ये पंजिया मिथिला क्षेत्र के मैथिली ब्राह्मणीय समुदाय के वंशानुगत अभिलेख है और इनमें लगभग 100 अंतर्राज्यीय विवाह का विवरण है। इसके अलावा ये लोगों और व्यक्तियों के लिखित ऐतिहासिक रिकॉर्ड प्रदान करता है। मिथिकों को पौराणिक माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने मिथिला की लंबाई और चौड़ाई में मंदिर, जीर्ण शीर्ण इमारतों और उत्कीर्ण लिपियों को अंकित किया है। नालंदा में हुए सड़क दुर्घटना पर मुख्यमंत्री ने प्रकट की गहरी संवेदना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा के तेल्हारा थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना पर अपना दुख प्रकट किया है, जिसके तहत दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में जान गंवाने वालों के आश्रितों को अविलंब 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। इस बाबत मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटना दुखद रही है। यह घटना बेशक ही बेहद ही दुखी कर देने वाला है। इस घड़ी में जान गंवाने वालों के परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति ईश्वर से प्रदान करने की प्रार्थना की है। आपको बता दें कि अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से नालंदा के तेल्हारा के रहने वाले व्यक्ति की जान चली गई थी। 31 मार्च से पहले भर ले आयकर। कोविड-19 के चलते वित्त वर्ष 2019-20 का संशोधित या विलंबित ITR भरने की मियाद बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद अगर आपने अब तक वित्तीय वर्ष 2019-20 का संशोधित या विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो इसके भरने की समय सीमा 31 मार्च 2021 को समाप्त हो जाएगी। विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर आपको 10,000 तक का विलंब शुल्क भी देना पड़ सकता है। अगर आप 5 लाख तक की अगर आपकी आय है तो आपको 1,000 ही शुल्क देना होगा और निवेश विशेषज्ञ ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि 31 मार्च 2021 तक ITR नहीं भरने की स्थिति में इस तरह के रिटर्न को वर्जित माना जाएगा और करदाता उक्त मूल्यांकन वर्ष के लिए कर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। ISSF वर्ल्ड कप के इवेंट में श्रेयसी मनीष राजेश्वरी ने दिलाया स्वर्ण। जमुई से भाजपा के विधायक और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित श्रेयसी सिंह ने एक बार फिर से निशानेबाजी में अपना जौहर दिखाते हुए देश के साथ साथ बिहार का नाम रोशन किया है। ISSF वर्ल्ड कप के एक इवेंट में श्रेयसी सिंह और 2 अन्य ने मिलकर के देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। भारत की महिला ट्रैप टीम स्पर्धा के फाइनल में कजाकिस्तान की टीम को हराकर गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है। सिंह की मां और बांका से पूर्व सांसद पुतुल कुमारी ने इस कामयाबी के लिए भारतीय टीम को बधाई दी है और शुभकामनाएं दी हैं। श्रेयसी सिंह और 2 अन्य महिला निशानेबाजों के गोल्ड मेडल हासिल करने पर श्रेयसी के विधानसभा क्षेत्र में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, इस साल जनवरी में ही श्रेयसी सिंह ने पहले ऑनलाइन एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया था। बेन स्टोक्स के कैच आउट होने के बाद हार्दिक का वीडियो हुआ वायरल। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम को बीते दिन शानदार जीत मिली। वहीं पिछले मैच के मुकाबले इस मैच में इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने 28 रनों पर ही दोनों सलामी बल्लेबाज के विकेट गंवा दिए। इंग्लैंड की पारी के दौरान एक ऐसा मौका भी आया जब हार्दिक पांड्या ने बेन स्टोक्स का आसान कैच छोड़ दिया था। इसके बाद जब टी नटराजन ने स्टोक्स को शिखर धवन के हाथों कैच आउट कराया तो यहां हार्दिक का रिएक्शन देखने लायक था। हार्दिक का यह रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जैसे ही धवन ने स्टोक्स का कैच लिया वैसे ही हार्दिक ने उनकी तरफ हाथ जोड़े और फिर जमीन पर घुटने के बल झुककर कैच लेने के
के लिए उनका धन्यवाद किया। रिया चक्रवर्ती ने शेयर किया अपना थ्रोबैक फोटो। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती अब धीरे धीरे सोशल मीडिया पर एक्टिव होना शुरू हो गई है। कुछ देर पहले रिया ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है। फोटो में रिया के साथ उनकी दोस्त प्रोड्यूसर निधि परमार हिरनंदानी नजर आ रही हैं। रिया ने तस्वीर को शेयर करने के साथ ही कैप्शन में लिखा है, प्यार एक ऐसा फैब्रिक है जो कभी भी फेड नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसे कितनी भी बार विपत्ति और शोक के पानी में धो लें। इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती ने हैशटैग लव इज पावर का भी इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है प्यार ताकत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इंग्लैंड के खिलाफ भारत को मिली शानदार जीत में किसकी भूमिका सबसे ज्यादा रही? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।